तो हे गाइस वेलकम बैक, कैसे हो। आज की इस वीडियो में मैं आ चुका हूँ एक और जबरदस्त टॉपिक लेकर। तो आज की इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट विलेंस इन नारुतो। अब देखो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं बेस्ट विलेंस को रैंक करने वाला हूँ, ना कि स्ट्रॉन्गेस्ट विलेंस को। इसका मतलब है कि मैं उनके विलनिज्म या जिस तरीके से दिखाया गया उन्हें रैंक करने वाला हूँ, ना कि उनके स्ट्रेंथ को। तो हाँ, वीडियो को शुरू करते हैं विद रैंकिंग नंबर 5। नंबर 5 पे मैं रखना पसंद करूंगा ओरोचिमारू को। अब सच बताऊं तो क्लासिक सीरीज में ओरोचिमारू का विलनिज्म बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था, लेकिन आगे आगे जैसे विलन्स बढ़ते रहते हैं वैसे इसका क्रेज कम होता है। मुझे पता है कि हम इन्हें ब्रोकन हीरोज कहते हैं, लेकिन इस वीडियो के लिए तो मैं विलन ही कहूंगा। देखो, जैसे ही सीरीज आगे बढ़ता रहता है तब हमें पता चलता है ओरोचिमारू मेन विलन नहीं है। एंड सच में शिपुडेन में तो पूरा विलनिज्म का क्रेज अकात्सुकी ने ले लिया। वहां बढ़ते अभी रैंकिंग नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे मैं रखना पसंद करूंगा ओबीटो उचिहा को। अभी इसने तो भाई पूरा अकात्सुकी को अपना ग्रिप में रख लिया था। अभी ये पहला ही अकात्सुकी का मेंबर है जो ये लिस्ट में आया था, आगे और भी है। जैसे मैंने कहा था, अकात्सुकी ने शिपुडेन में पूरा विलेनिज्म का क्रेज ले लिया है। बढ़ते आगे रैंकिंग नंबर 3 पे। तो नंबर 3 पर आता है इताची उचिहा, हमारे लिस्ट का दूसरा अकात्सुकी मेंबर। इताची के बारे में क्या ही बात करें, एक प्योर विलेन कैसा रहना है, तो मैं तो इसे ही एग्जांपल दे दूंगा। सच बता रहा हूँ, ये इताची के जो लुक्स है ना, एकदम बैडस एंड विलनिश रहते हैं। दो जगह पे इसका जो विलेनिज्म है ना, वो पीक्स में चला जाता है। पहली बार तो सास्के जब क्लासिक सीरीज में इसको हराने के लिए आता है तब, एंड दूसरी बार शिपुडेन में जब सास्के इसे हराने के लिए आता है तब। हाँ, अभी बढ़ते हैं रैंकिंग नंबर 2 पे। नंबर 2 पे मैं रखना पसंद करूंगा मादारा उचिहा को। अब भाई, इसके बारे में तो मुझे बात करने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से इसने बैटल किया था ना शिनोबी एलियंस के साथ, वो एक ही रीजन काफी है इसे ये लिस्ट में इस नंबर पे लाने के लिए। आगे भी बहुत ही ज्यादा बैड सीन्स है, जैसे कि माइट गाय वर्सेस मादारा। एक्चुअली मैं इसे नंबर 1 पे रखने वाला था, लेकिन मेरे दिल ने कहा नहीं भाई, इसे नंबर 1 पे नहीं, इसे नंबर 2 पे रखो। नंबर 1 पे तुम्हें रखना चाहिए पेन को। नंबर 1 पर आता है पेन। एक विलेन को जितने सारे क्वालिटीज रहना चाहिए वो के सारे इसके अंदर है। लिटरली इसने पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया जब उसे पता चला कि नारुतो यहाँ पे नहीं है। well, विलेन का मतलब बेसिक विलेन, एनिमे का विलेन के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तुम गुंडा रोड़ी पे मत जाना, या फिर वन पीस के या वन पंच मैन के विलेनों की तरह मत जाना। हाँ, फिर यही थे टॉप 5 बेस्ट नारुतो के विलेन के बारे में। अच्छा लगा तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब भी। अगर आपके पास ऐसे ही जबरदस्त कुछ कंटेंट है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आगे वो वीडियो लाऊंगा। बाकी यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जबरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।